इंदौर द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में प्ले स्टोर को तार तार करने वाली एक घटना सामने आई, जिसमें नाना द्वारा ही 12 वर्षीय नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने का प्रयास किया गया। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाना को गिरफ्तार कर लिया। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये घटना द्वारकापुरी थाना क्षेत्र की है, जहां नाबालिग बच्ची को अकेला पाकर उसके नाना ने ही अश्लील हरकत कर डाली, जिसकी जानकारी नाबालिग ने अपनी नानी को दी। नानी नाबालिग को लेकर थाने पहुंची व आरोपी नाना के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। इस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जी, ये 27 तारीख के सुबह 10 बजे की घटना है। द्वारकापुरी निवासी एक 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची जो कक्षा 6वीं में पढ़ती है, तो वो घर पर अकेली थी। उसकी माताजी काम से बाहर गई हुई थी और घर पे नानी और बच्ची अकेली थी। तो जब ये कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई, तो पीछे से इसके कथित नाना जो आरोपी हैं, तो वो पीछे से छत पर गए और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगे। इसी बीच में इनकी नानी आवाज़ सुन के ऊपर पहुँची, तो उन्होंने पूरा घटनाक्रम को देखा है। उस पर से हमारे थाने में छेड़छाड़ का और पॉस्को एक्ट का अपराध पंजीबद्ध हुआ है। और घटना के कुछ ही घंटों के अंदर, कायमी के कुछ ही घंटों के अंदर, हम लोगों ने आरोपी को अभिरक्षा में लेकर रात में ही गिरफ्तार कर लिया है और आज उसको माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। सर, ये रिश्तेदार था या पड़ोसी था क्या था? ये इनकी जो नानी है, तो इन्होंने इनके साथ ही रहते थे और 38 वर्षीय उम्र है इनकी आरोपी की। और ये चूंकि नानी के साथ रहते तो इनको बिटिया नाना नाना कहती है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। आई प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।